आओ बच्चों इंग्लिश सीखें। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एम इज आर का प्रयोग। किसका? एम इज और आर का प्रयोग सीखेंगे। एम आपको पता है एम किसके साथ लगता है? आई के साथ, ठीक है। और इज आपको पता है किसके साथ लगता है? इज कहाँ लगता है जल्दी बोलो। आपको पता ही है भाई, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है ना। और कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ, क्या हुआ? सिंगुलर नाउन हुआ, ठीक है। और आर कहाँ लगता है? आर लगता है वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, ठीक है। और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे बॉयज, प्लूरल नाउन्स, ठीक है। प्लूरल नाउन जैसे एक से ज़्यादा जब चीज़ें हुई तो आप, ठीक है, होना मतलब में आप यूज़ करते हैं इस अमार का। किस्मा ये एक्चुअली ये जो है ना बी की फॉर्म है। क्या ये बी की फॉर्म है? इज एम आर। बस आपने इतना याद रखना है कि बी की ये प्रेजेंट फॉर्म है। कैसे याद रखोगे आप? बस इतना याद रखना कि बी की ये प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर, ठीक है। तो हम जो है होना मतलब के लिए यूज़ करते हैं इनको। किसके लिए? होना मतलब के लिए। जैसे कि माई नेम इज मोहन। जैसे आपने अपना नाम बताया तो आप बोले माई नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो आपने इज का इस्तेमाल किया, माई नेम इज मोहन, ओके। और जैसे कि आई एम 22, ठीक है, मेरी उम्र 22 साल है। और आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है। होना मतलब के लिए आप करते हैं क्या? आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है। और आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, आई एन डी आई ए एन, आई एम इंडियन। और आई एम, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। या आपने कह दिया यूपी, फ्रॉम के बाद आप बिहार लिखो, या जो अपना स्टेट वगैरह है आप वहाँ लिख दो, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। और आप, और माई माई फेवरेट, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, ठीक है, ओके। और आपका इसमें अगर बहुवचन हुआ, माई फेवरेट स्पोर्ट्स या गेम्स, ठीक है ना, माई फेवरेट स्पोर्ट्स जो मेरे खेल हैं मनपसंद, आर क्रिकेट, क्या? आर क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो दो थे, ठीक है ना, क्रिकेट और फुटबॉल, इसलिए आपने आर लगा दिया। क्या लगा दिया? आर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, आपने अब क्या करना है इसके अंदर? इज एम आर का तो आपको यूज, ठीक है, कहाँ कहाँ लगना है आपको तो अब पता ही है। जैसे आई के साथ अगर मैं टेबल बनाऊँ, आई के साथ क्या लगेगा? एम, ठीक है ना, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर, सिंगुलर को मैं इतना ही लिख दूँ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। तो इनको लिखेंगे कैसे? देखो शॉर्ट फॉर्म में ही इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हीज। क्या पढ़ा? इसको लिखेंगे हीज, क्या लिखा? हीज। और ऐसे ही आपका, देखो ऐसे ही अगर आपने शी लिखा, शी इज, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं हीज, क्या? शीज, ओके, शीज। और इट इज को क्या पढ़ेंगे? इट्स, क्या? इट्स, ये कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश है, आपको तभी तो इंग्लिश आएगी ना। और जैसे वी आर, शॉर्ट फॉर्म वी आर, वी आर, वी आर, ठीक है। जैसे यू आर है, शॉर्ट फॉर्म यू आर, यू आर, यू आर। और जैसे दे आर, तो क्या हो गया? दे आर, दे आर, ओके। और अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप बनाएंगे आई एम, इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं बस, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आई
ऐसे करते हैं इसको जो है ना, एम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें आई आई एम ठीक है ना, आई एम नॉट नॉट, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपका क्या है, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा। आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या, आई एम आई एम आई एम। अच्छा, और जो से आपने ही इज नॉट लिखना, ही इज़ नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट रेडी, ही इज़ नॉट रेडी, तो इसको इसको ऐसे करके कह सकते हैं इसको ना, ही इसको ही इज ठीक है ना, ही इजंट ऐसे भी कह सकते हैं, ही इजंट रेडी, वो तैयार नहीं है, ही इजंट रेडी, ही इजंट रेडी, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने चिपका दिया इसमें ही, या फिर आप ऐसे करके कह सकते हैं इसमें ऐसे लगा दो, ही इज नॉट रेडी, ही इज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं है, ऐसे करके शी, ठीक है ना, अब आप खुद बनाना, शी इज नॉट रेडी, तो क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं इसको शी इज नॉट, या तो इज यहाँ लगा दिया ऐसे करके फिर नॉट करके, शी इज नॉट रेडी, या फिर शी इजंट, क्या शी इजंट रेडी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ये कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश, ओके, शी इजंट रेडी। अच्छा, अब जैसे वी, ठीक है, वी आर नॉट, तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं, वी, ठीक है, वी We are not, या तो apostrophe mark लगा करके आर ई लगा दी, देखो मैंने आर को कैसे लिखा है, वी आर नॉट, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे करके कर सकते हैं, वी aren't ready, ये आर और नॉट चिपका दिया आपने, ठीक है ना, ऐसे करके यू के साथ बना लेना, You are not ready. नेगेटिव ऐसे करके बना दो, ये you are not ready. या फिर you aren't, ये ऐसे बना दिया, you aren't, एन ऐसे लगा दिया, you aren't ready. आप तैयार नहीं हो, ओके, ऐसी दे के साथ लगा देना, किसके साथ, दे के साथ लगा देना, दे आर नॉट रेडी, ठीक है, दे आर नॉट रेडी, तो क्या हो गया, दे आर नॉट रेडी, शॉर्ट फॉर्म वैसे दे आरंट रेडी, ठीक है, ओके, तो आपके निगेटिव वगैरह भी बन गए आपने, ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो आप इज एम आर सू में लग देंगे, जैसे इज, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, ही इज रेडी, वो तैयार है, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाना है इज को शुरू में ले आओ, इज ही रेडी, क्या वो तैयार है, ओके, तो यहाँ पर ये हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, इज एम आर शुरू में आ जाएंगे तो हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, ओके ना, हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, क्या से, जैसे जैसे आप जो है, जैसे यू आर रेडी, आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, तो क्या आएगा, आर यू रेडी, ठीक है, ओके, और अगर डब्ल्यू फैमिली हो तो डब्ल्यू फैमिली हो वो सबसे शुरू में आ जाएगी, जैसे जैसे आपने कहा, देखो यू, देखते रहना, यू आर एंग्री, तुम गुस्सा हो, तुम क्रोधित हो, ठीक है, तो आपने इसको आर में शुरू में लगाया, आर यू एंग्री, क्या आप गुस्सा हो, क्रोधित हो मुझसे, आर यू एंग्री, और अगर वो डब्ल्यू फैमिली होगी वो पहले लग जाएगी, इससे वाई, इससे ही पहले वाई, बाकी कैसे ऐसे लिख दो, वाई आर यू एंग्री, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली आपका इज एम आर से भी पहले आ जाती है, ओके, तो इसके अंदर आपने जो है ये देखो, अब आप जो है क्वेश्चन बनाना सीखो, जरा इसमें देखो,
इसमें हम क्वेश्चन बनाएं। अच्छा देखो, जैसे वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, मम्मी कहाँ है आपकी। तो कहाँ जो है ये वेयर इज से भी पहले आ गया, भाई योर मदर तो सिंगुलर है, योर मदर के हिसाब से क्या आएगा, इज ही तो आएगा क्योंकि सिंगुलर के हिसाब से क्या लगता है, इज लगता है। ओके, और वेयर कहाँ गया, वो से भी पहले आ गया, वेयर इज योर मदर। कैसे बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश, ऐसे बोलना है, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, मम्मी कहाँ है, इज शी एट होम, इज शी एट होम, क्या वो घर पर है। ओके अच्छा एक दो और बना लेते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे आप किसी से पूछे आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो देखो कितने तरीके से कह सकते हो, जिसको कह सकते हैं फ्रॉम, वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, लेकिन जो कन्वर्सेशन इंग्लिश में फ्रॉम को बाद में ले जाओगे, तो वेयर को पहले लिखो, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, और अगर ही है जहाँ पर इज लग जाएगा, वेयर इज ही फ्रॉम, ऐसी सेंटेंस बनाना, ही की जगह शी लगा देना, ही की जगह शी लगा देना, कोई नाम लिख देना, ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो वेयर इज ही फ्रॉम, वेयर इज शी फ्रॉम, वेयर इज योर, वेयर इज योर चाचा जी फ्रॉम, वेयर इज योर बॉस फ्रॉम। ओके ओके, और देखो और तुम्हारा कुछ क्वेश्चन वर्ड जो है ना वो जैसे मैंने व्हाट, तुम्हारे जैसे तुम्हारी कार का कलर क्या है, तो मैं लिखूंगा व्हाट कलर, इसको एक ही मान के चलना, व्हाट कलर इज योर कार, ये व्हाट कलर एक ही मान के चलना, व्हाट कलर इज योर कार, आपकी कार का कलर क्या है। ओके ऐसे ही आप देखो, हाउ ओल्ड इज ही, वो कितनी उम्र का है, या फिर हाउ ओल्ड, यहाँ पर अगर यू होगा तो क्या लगाओगे, आर, और हाउ ओल्ड यहाँ लग जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड को एक ही शब्द मान के चलना, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र के हैं, आपकी कितनी उम्र है, और जब आप उम्र बताते हो किसी को तो सिर्फ नंबर बोल दिया करो, जैसे आई एम 24, या फिर ठीक है ना, जैसे ही इज 24, अगर ही है तो इज लग के वो नंबर बता दिया, बस दैट्स ऑल। ओके पूरा लिखना तो ऐसे भी लिख दो, कोई गलत थोड़े ना, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड। ओके ठीक है, और हाउ का देखो, हाउ जो है, हाउ का मतलब कैसे होता, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई कैसे है, क्या उसकी तबीयत ठीक है, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, बोलो मेरे साथ साथ, हाउ आर योर पेरेंट्स। ओके और जब आपने कीमत पूछनी हो तो हाउ के साथ मच लगा दिया करो, हाउ मच, किसी सिंगुलर चीज़ है तो हाउ मच इज इट, ये कितने की है, और अगर वो, अगर जैसे कोई जीन्स है, पैंट्स है, हाउ मच बहुवचन वाली चीज जो है, क्या है, हाउ मच आर दे, ये कितने के हैं, जो पैंट है ना उसके लिए आप हमेशा वो, क्योंकि ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो, बहुवचन में होती है हमेशा, ठीक है ना, और शूज के लिए पूछें, जूतों के लिए पूछें, हाउ मच आर दे, हाउ मच आर दीज शूज, दीज शूज, ठीक है, ये जूते कितने के, तो हाउ मच एक ही शब्द मान के चलना, ठीक है ना। ओके अच्छा देखो, अब शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बोलना सीखो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, ठीक है। ओके तो अब तो बात समझे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इज एम आर के साथ, ओ डब्लू एच, ये कोई इज एम आर शुरू में लग देते हैं, दी शुरू में आ जाए, ठीक है ना, इज एम आर शुरू में आ जाएंगे, इज एम आर शुरू में आ लग देंगे, और हिंदी की आदत शुरू हो जाएगी, किससे, क्या से, और डब्ल्यू एच फैमिली जो होगी, डब्ल्यू एच फैमिली क्या करेंगे उसका, डब्ल्यू एच फैमिली इज एम आर से भी पहले आ जाती है, और इसकी हिंदी बीच में आएगी, जैसे वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, भैया गुस्सा क्यों हो,
तो वाई ये बिल्कुल शुरू में आ गया, आर से भी पहले आ गया। ओके ना, अब देखो कुछ कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस जो हैं इनके साथ व्हाट इज द टाइम, अबे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न इंग्लिश दिस वे, एंड जस्ट लिसन टू हाउ आई स्पीक इंग्लिश। ओके, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलोगे, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, ठीक है ना। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है, हु इज दैट मैन, ठीक है। ओके, हु इज दैट मैन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, हु इज दैट मैन, 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 हु इज दैट मैन। ओके, वेयर इज मोहन, मोहन कहाँ है, ठीक है, या ही लगा दो, वेयर इज ही, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलना अंग्रेजों की तरह बिल्कुल, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले, वेयर इज ही, 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 हाउ इज योर फादर, ऐसे देखो, हाउ इज योर फादर, ठीक है, आपके पापा कैसे हैं। ओके, आपके पापा कैसे हैं। ओके, तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो, इसको इसको जोड़ दो, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे अब ये क्वेश्चंस बनाने आ गए हमें, ठीक है ना, इसे हमारे का यूज आ गया। ओके, तो अब जो है ऐसी इज एम आर चाहे इसी वॉज वर्ग में, ठीक है, वॉज वर्ग करने तो वॉज वर्ग लगा देना उसके अंदर, उसमें भी सेम रूल है ये, ठीक है। ओके, बाय बाय, सीखते रहो ऐसे करके। अब थोड़ा सा अब मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो बना दिया करूँगा, ओके ना, मैंने जो है बहुत दिन से बनाए नहीं थे क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ था, ठीक है, अब मैं रेगुलर वे में पढ़ाना जो है तुम्हारे लिए वीडियो बनाना शुरू करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।